17.5 प्राकृतवास के प्रति अनुकूलन एडॉप्टेशन टू अ हैबिटेट। जीव अपने प्राकृतवास के प्रति कैसे अनुकूलित होते हैं? जब हम किसी जीव को किसी प्राकृतवास में जीवन यापन और प्रजनन करते देखते हैं, तब पाते हैं कि उस जीव की विशेषताएं उस प्राकृतवास में रहने के लिए अनुकूल है। अनुकूलन की प्रक्रिया के कई उदाहरण हैं। भूमिगत गुफाओं के पानी में रहने वाली मछलियां प्रायः अंधी होती हैं, जैसे कानी मछली। इस प्रकार की एक और मछली मैक्सिकन ट्रेटा पर किए गए शोध से उसके आवाज संबंधी विभिन्न तथ्यों का पता चलता है। इनमें से एक तथ्य यह है कि पानी के खारेपन में अंतर का प्रभाव मछलियों की आंखों के आकार पर पड़ता है। इस शोध का विवरण परिशिष्ट में दिया गया है। इस अध्याय में हमने देखा कि सभी जीवों की आबादी का एक प्राकृतवास होता है, जहां उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। एक प्राकृतवास में सभी जीव अपने पर्यावरण के अन्य जीवों व निर्जीव घटकों पर निर्भर होते हैं। हमने यह भी देखा है कि पर्यावरण में परिवर्तनों के होने से जीवों की जीवन शैली में भी परिवर्तन हो सकते हैं। वर्तमान में हम अपने पर्यावरण में बहुत तेजी से और अधिक परिवर्तन ला रहे हैं, जो न केवल हमें वरन दूसरे जीवों को भी प्रभावित करते हैं। कुछ परिवर्तन बड़ी समस्याओं का कारण बन रहे हैं।